सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट, जिनकी आज 22वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के मौके के ऊपर दौसा जिले के अंदर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा जाता है, लेकिन पिछले काफी लंबे समय से कोरोना काल के चलते हुए इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नहीं हो पा रहा था। वहीं आज भारी तादाद में लोग दौसा जिले के अंदर मौजूद रहे हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए अपना समर्पण करते हुए नजर आए हैं। साथ ही आप सभी को बता दूं कि राजेश पायलट किसानों के भावी नेता थे। उन्होंने किसानों की हर एक मांग को उठाया था और किसानों के मसीहा भी बनते हुए वह नजर आ रहे थे। जब भरतपुर के अंदर चुनाव का दौर चल रहा था उस समय, तब भरतपुर के अंदर एक ऐसी हवा चली जिसमें सभी लोगों ने कहा कि कोई पायलट आ रहा है हमसे मिलने के लिए, और इसी के चलते हुए राजेश पायलट ने अपना नाम बदल करके, जो पहले उनका राजेंद्र सिंह भिदूड़ी था, वह बदल करके राजेश पायलट कर दिया है। और साथ ही इसी को लेकर के तमाम प्रकार की वह सेवा भावना से सेवा करते हुए नजर आए। वह कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के और जो बड़े बड़े उस समय के लीडर्स थे उन सभी के बहुत ही करीबी नेता थे, और इसी के चलते हुए उन्हें केंद्र के अंदर जगह भी मिली थी और केंद्रीय मंत्री भी उन्हें बनाया गया था। साथ ही आज उनकी 22वीं श्रद्धांजलि है, तो आज 22वीं श्रद्धांजलि के मौके पर हम आप सभी को उन सुनहरे लम्हों से रूबरू कराते हैं जिसमें किसानों के ऊपर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की आज 22वीं पुण्यतिथि है। स्वर्गीय राजेश पायलट को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके स्मृति स्थल भंडाना में भारी तादाद में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं, और आज भी ऐसा ही देखने को मिला। भारी तादाद में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए। सभी ने पुष्प चढ़ा करके उन्हें श्रद्धांजलि दी और साथ ही सभा का भी आयोजन हुआ। राजेश पायलट का वास्तविक नाम राजेश्वर प्रसाद सिंह भिदूड़ी था। बताया तो यह भी जाता है कि पूर्वी राजस्थान में भरतपुर का चुनाव लड़ने से पहले जब वह ग्रामीण इलाकों के दौरे पर गए, तो वहाँ यह चर्चा थी कि कोई पायलट आने वाला है। बस उसके बाद उन्होंने अपना नाम राजेश पायलट कर लिया था। राजनीति में आने के बाद 1980 के दशक में गांधी परिवार के साथ राजेश पायलट की नज़दीकियाँ बढ़ती हुई गईं, और उसके बाद वे राजीव गांधी सरकार में मंत्री भी बने। राजेश पायलट का 11 जून 2000 को दौसा जिले के भंडाना के समीप हुए सड़क हादसे में निधन हो गया था। तभी से प्रतिवर्ष 11 जून को भंडाना में श्रद्धांजलि सभा और सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। कोविड-19 के चलते हुए पिछले 2 वर्षों से सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब जब कोविड-19 की स्थिति सामान्य चल रही है, तब आज वहाँ पे भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और सभी ने पुष्प चढ़ा करके राजेश पायलट को श्रद्धांजलि दी है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।